बस उसी मसालों को लेके हम जो काढ़े में डालते हैं उन्हीं मसालों से हम आज लड्डू बनाएंगे। नमस्कार, बड़ी मामा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे सबको मालूम है कि आजकल कोरोना ने बहुत डरा के रखा हुआ है और बार बार ये कहा जाता है कि काढ़ा पीजिए, तो बस उसका ही मैं सब्स्टिट्यूटर लाई हूँ कि आज हम मसाला जो है लड्डू बनाएंगे। लड्डू तो बच्चे फिर भी आराम से खा लेते हैं, बड़े भी आराम से खा लेते हैं, काढ़ा पीना तो बड़े भी पसंद नहीं करते। तो बस उसी मसालों को लेके हम जो काढ़े में डालते हैं उन्हीं मसालों से हम आज लड्डू बनाएंगे। 1.5 कटोरी आटा ली है और 1/2 कटोरी नारियल भूरा है, 1 कटोरी मैंने गुड़ लिए। चीनी का प्रयोग मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये काढ़े में भी ये कहा जाता है कि जितना गुड़ इस्तेमाल करो वो अच्छा है, और घी भी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये 1/2 कटोरी के करीब मैंने घी लिया है, देसी घी है। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 8 से 10 मैंने लौंग ली है, 5 मैंने छोटी इलायची ली है, थोड़ा सा ये अदरक लिया है 1.5 इंच के करीब, और ये थोड़ी सी दालचीनी है, 15 से 16 मैंने बादाम के दाने लिए, ये 1 चम्मच काली मिर्च ली है और 1 चम्मच धनिया पाउडर ली है। आप काली मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर की जगह भी साबुत काली मिर्च और साबुत धनिया ले सकते हैं, मेरे पास पिसा हुआ था तो मैंने पिसा हुआ ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, आप चाहे पैन या तवे पे भी मसाले भून सकते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले दालचीनी डाल देती हूँ। इसमें मैंने घी वगैरह कुछ नहीं डाला, सिर्फ हल्का सा इसका वो नमी जो है वो निकल जाए इतना भूनना है मुझे। जीरा डाल रही हूँ, सौंफ, लौंग, छोटी इलायची, अदरक, ये सारी चीज़ें एक साथ डाल देते हैं, और ये बादाम के दाने भी ताकि इसकी भी जो नमी है वो निकल जाए। ये जो मैंने काली मिर्च धनिया है पाउडर इसको नहीं डाल रही हूँ, साबुत है तो आप वो भी इसी टाइम डाल दीजिएगा इसको बिल्कुल 1-2 सेकंड तक ताकि इनकी नमी निकल जाए। हमें ज़्यादा नहीं भूनना, उससे क्या होगा इसको पीसने में थोड़ा सा आसानी रहती है और नमी भी निकल जाती है, थोड़ा सा क्रंची पन में आ जाता है। बस बिल्कुल 1 से 2 मिनट तक भूनना है इसको। जैसे इसकी खुशबू आने लगे तो आप इसको गैस को बंद कर देंगे। जब भी इसको मसालों को भूने तो थोड़ा सा मध्यम आंच पे ही भूनेगा, ज़्यादा हाई नहीं कीजिए नहीं तो एकदम से ये जल जाएंगे। मेरी खुशबू आने शुरू हो गई है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ, इसको गैस उतार लेती हूँ और ठंडा होने देती हूँ। फिर उसके बाद इसको पीस लेंगे, इसको अच्छी तरह से पीस लें, ठंडा होने पे पीस लेंगे। ये इलायची में जो खोल के डालूँगी, अभी इसको मैंने ऐसे ही भून लिया था, खोलने से इसके बीज भी डाल दूँगी, खाली बीज भी डाल दूँगी, इसको नहीं पीसूँगी। गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें मैं घी डाल रही हूँ। घी हमें ज़्यादा नहीं डालना, मैं अभी इसमें से थोड़ा सा रख रही हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें डालूँगी। इसमें अब आटा भून लेते हैं। ये मैंने 1.5 कटोरी लिया आटा, घी मुझे कम लग रहा है, मैं बाकी बचा हुआ घी भी इसमें डालूँगी। अच्छा, इस तरह चलाते हुए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए और साथ साथ उसको दबा के खोलते रहेंगे ताकि गुठलियाँ नहीं बने। जब आटा भूने तो इसको छोड़ना नहीं है, चलाते रहेंगे साथ साथ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से भून रहा है, इसको तेज आंच पे, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं भूनिएगा, जल्दी जल जाता है, फिर वो जो टेस्ट है वो कड़वा कन में आएगा, जरा सा भी जलने की स्मेल आ गई तो। इसमें साथ साथ धीमी आंच पे और चलाते हुए भूनिएगा। ये घर में आप बड़ों को, बच्चों को, सबको दे सकते हैं, का ध्यान रखते रखते हमें अपना खुद का भी ध्यान सबसे पहले रखना है, तो इसलिए आप भी ज़रूर लीजिएगा, इसको बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा आप भी। आटा जब अच्छी तरह से भून जाएगा तो उसमें से अच्छी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, उससे भी हमें पता लग जाता है कि आटा हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। और ये देखिए तला भी वो छोड़ देता है, थोड़ा सा घी भी छोड़ना शुरू हो जाता है। तो बस इसको हल्का सा ही भूनना, आटे को अच्छी तरह से भूनना है, नहीं तो लड्डू हमारे आटा कच्चा रह गया तो टेस्ट में अच्छे नहीं लगेंगे। बस आटे को ध्यान से, वो कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसका रंग चेंज हो गया है आटे का हमारे। और आप देख रहे हैं कि घी भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला, इतना ही डाला कि जिसमें अच्छी तरह से मेरा आटा भुन रहा है और आटे की खुशबू मुझे भी आनी शुरू हो गई है, अच्छी तरह से भुन रहा है आटा। जब अच्छी तरह से भुन जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हलवे की तैयारी हो रही है। इस टाइम नारियल भूरा जो है 1/2 कटोरी मैंने लिया था, इसको भी हल्का सा भून लेती हूँ।
बस नारियल गुड़ा जो डाल के मुझे इतना ही भूनना था। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और अब गुड़ की चाशनी की हम तैयारी कर लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने गैस पे पैन रख दिए, अब मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया था कद्दू का। इसमें थोड़ा सा पानी, सब ये 4 चम्मच मैं पानी डालूंगी, ज्यादा पानी नहीं ही डालना है मुझे। गैस को अभी हम तेज कर सकते हैं और इस फ्लेम पे भी हम इसको पका सकते हैं। जब गुड़ पिघल जाएगा फिर हम गैस स्लो कर देंगे। आप देख रहे हैं गुड़ मेरा पिघलना शुरू हो गया है, तो चलाते रहिए। इस टाइम गैस आप धीमे कर दीजिएगा और ये जो गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े रह गए इनको दबा के इसको मिक्स कर लीजिए। आप देख रहे हैं गुड़ बिल्कुल पिघल गया है, ये भी छोटा सा टुकड़ा नहीं है। इसको बस 1-2 मिनट और पकाएंगे, ज़्यादा नहीं है पकाना है इसको भी हमें। बस इसको इतना ही बनाना है, गैस में बंद कर रही हूँ। इसको ठंडा होने देते हैं। आटा हमारा ठंडा हो रहा है तो मैंने जो मसाले पीस लिए हैं ये देखिए, इसमें पीसते टाइम ही मैंने काली मिर्च और वो भी डाल दिया था। अब इसको मसालों को भी हम सारा आटे में मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स कर लीजिए। ये जो लड्डू हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, बहुत ही पौष्टिक हैं, तकलीफ़ में बीमारी में हमें लड़ने की भी ताकत देंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जीरा भी हम मसालों में, सौंफ, अजवाइन सब चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना सारा आटे के बीच में इन मसालों को। मसाले हमारे सारे अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो गए हैं। अब जो मेरी गुड़ की चाशनी है थोड़ी ठंडी हो गई, इसको हम छान के डालेंगे। तो इसको पहले मिक्स कर लेते हैं फिर हम बाकी पूरी डालेंगे इसमें। सारा डाल दिए, छान के डालेंगे इसको, बिना छाने नहीं डालेंगे क्योंकि गुड़ में कई बार थोड़ा से कण भी रह जाए तो अच्छे नहीं लगेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। गरम गरम में ही बनाने हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, कि इतना हो कि हमारे हाथ सुहा जाए। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल उबलते हुए को आप हाथ में पकड़ लें। ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बन गया। बस इसी तरह हम सारे लड्डू बनाएंगे। देखिए हमारे मसाला लड्डू बनके तैयार है, कितने ही अच्छे लग रहे हैं देख के। इसमें कह सकते हैं कि आप मसाला डाला हुआ है, तो इसको बनाइएगा ज़रूर और बना के खाइए, परिवार को खिलाइए, उनकी तंदुरुस्ती बनाइए, इम्यूनिटी को बढ़ाइए। हेल्थी है ये बहुत ज़्यादा। अगर आपको ये लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ लगी बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।